आप देखते हैं किस तरीके से आ सकते हैं, वो तो एक ही प्लेयर बता सकते हैं क्योंकि उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है। एग्जैक्टली, और जिस प्लेयर की यहाँ पे केतन बात कर रहे हैं, दैट इज जोनाथन फ्रॉम टीएसएम एंटिटी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे इंटरव्यू में। जोनाथन, वेलकम टू द शो, एंड व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस डूड। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, वी कैन हियर यू। एंड केतन के पास थोड़े सवाल होंगे तो मैं केतन के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। हेलो हेलो जोनाथन, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है। अब बस एक चीज समझ रहे हो ना, के अलावा बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, बिकॉज आज बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योंकि जिस तरीके से आपने परफॉर्म करे, पहली बात हमारे पास 12 टीमें बची हुई थी, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार गिव अप ना हो जाए, वो सामने से हमारा ऐसा हो जाए कि गिव अप एटीट्यूड आ जाता है कि 12 टीमें बची यार मैं कैसे लेके जाऊँ। बट क्या दिमाग में चल रहा है, बिकॉज सदर्न साइड में कोई और टीम ही नहीं थी, आपको जस्ट चिल करना था, क्या पेशेंस लेवल में बैठ चल रहा था और क्या टीम मेट्स आपके आपके दिमाग में डाल रहे थे कि इसको मार उसको मार, क्योंकि टीम मेट्स बहुत ज्यादा इंटीमेट करते कि अब मार, एग्रेसिव एग्रेसिवनेस दिखा, तो कौन क्या बोल रहा था उस टाइम पे? मतलब तीन चार कॉल जा रहे थे, एक क्लच गॉड बोल रहा था मार मार मार, नियो बोल रहा है मत मार, और गॉड बोल रहा है जोन निकल। तो मैं वही सोच में रह गया क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर एक लास्ट बंदा एफएस को मारा मैं, जो बाकी था उधर, फिर स्लोली स्नेकिंग स्नेकिंग करके सीधा जोन निकल गया, फिर बाद में एंड में फुल, समझ रहे हो ना, फुल बूम बाम। बिल्कुल वो चीज़ तो आएगी, बट अब टीएसएम एंटिटी टॉप 10 के अंदर आ चुकी, विच इज आई थिंक अ बिग डील, बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था कि जहाँ पे आप लास्ट पे चल रहे थे सुपर वीकेंड में, बट नीचे और कुछ टीमें ऐसी जो मतलब 100 का मार्क भी उन्होंने क्रॉस नहीं करा। बट ऑब्वियसली अब एक क्वेश्चन है आपके पास, टॉप 16 के अंदर आप हो और टॉप 10 के अंदर, अब कल किस तरीके से दिन देखोगे, बिकॉज टॉप 5 इजिली अप्रोचेबल है अगर हम टीएसएम एंटिटी के नजरिए से देखें तो। कल तो आई गेस पूरा रिफ्रेश होके मस्त नए माइंड से खेलेंगे, और कल भी वही ट्राई करेंगे, कितने चिकन निकाल सकते उतने चिकन निकालेंगे। बिल्कुल, और जो पूरा रिफ्रेश, बिल्कुल, और जिस तरीके से एक नया यू कैन से एटमॉस्फेयर भी है वहाँ पे, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, और यू आर एट एसएटीएल बूट कैंप आल्सो, लाइक कैसा लग रहा है वहाँ पे? हाँ, आई वुड लाइक टू थैंक द एसएटीएल फैमिली, थैंक्स अ लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल थक भाई अपना, फिर गोल्डी भाई और मोटल, आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल फॉर Helding us this boot camp and the net, it's a huge honor. क्या बोलूँ? बिल्कुल, बट बिल्कुल वो चीज परफॉर्मेंस भी मैं भी देख रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जो हर्डल्स आ रहे थे प्लेयर्स के बीच में, वो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अब वो बैरियर सारे हट चुके हैं। बट अब वो ये जोनाथन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अब टीम परफॉर्म कर रही हो नाउ कर रही हो, आपका परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर ही था, अभी भी टॉप 5 के अंदर हो आप, तो किस तरीके से आगे देख रहे हो? बिकॉज प्लेयर्स का स्टैंडर्ड अगर हम लोग बात करें इंडियन टीम्स का, तो लाइक इट इज ऑलरेडी अबव, और यू कैन से मैच करने के भी ऊपर जा चुके हैं, तो क्या देख रहे हो अब, क्या टीएसएम एंटिटी यहाँ से कितना पोजिशन यू कैन से फोकस कर रही है, तो एक एम है कि डे क्लोजिंग तक हमें यहां तक पहुंचना है कल का? आज तो यही सोचे थे कि तीन चिकन मारेंगे, बट तीन में से एक रह गया, बट दो ही हो पाया। सो कल अभी वही ट्राई करेंगे कि कितने चिकन निकाल सकते हैं और सबको बूम बम ऐसा खेलना है। सो आज थोड़ा हुआ हम लोग का, सो देखते हैं कैरी। बिल्कुल, और एक चीज सब्स्टिट्यूट के बारे में मेरे को क्लियर माइंडसेट चाहिए, बिकॉज कल गातक से भी बात हुई हमारी, वो भी यही बता रहे थे कि लाइक प्लेयर, मैं तो क्लच गॉड को ही पोशन करूंगा पूरे टाइम, बट आपका क्या कहना है एज अ प्लेयर, लाइक क्लच गॉड क्या गलतियां कर, बिकॉज अब आज के दिन में आई डोंट थिंक सो क्लच गॉड इतनी गलतियां करी हैं जिस तरीके से शेप इन करा है टीएसएम एंटिटी के सारे प्लेयर्स को, लाइक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज एक्सपीरियंस भी वहां पे आएगा एंड वो गातक मेरे ख्याल से अच्छा खासा चांस भी दे रहे, तो सब्स्टिट्यूट के में किस तरीके से देख रहे हो आप? सब्स्टिट्यूट तो नहीं, बट ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लेयर्स के अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, सो हमारा वही काम था कि उसको बहुत मोटिवेट करना है, उसको जो भी कॉल देते फटक से रिएक्ट करना है उस पर, सो उसको वही करना था, उसको मोटिवेट करना था उसको, और वो आज देखिए उसको से ऐसे ही मोटिवेट रखना है। वेल, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी पूरी टीम भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होगी, और कल का दिन भी आपके पास बचा है जहाँ पे 5 और मैचेस रहेंगे इस सुपर वीकेंड के। सो जोनाथन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड अब कल के मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द टीम। गुड लक जोनाथन, थैंक यू, बाय बाय बाय। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया।